दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज हम देखेंगे कि आप धन ऐप में MTF शेयर्स को कैसे सेल कर सकते हो। सो सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम धन ऐप को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी के जो भी आपका MTF वाला शेयर्स रहता है उसको देखने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है सीधा पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको जो स्टॉक वाला सेक्शन रहेगा इस पर आपको क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको सीधा जो भी MTF वाला ऑप्शन रहेगा देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। सो फिर यहाँ पर आपको ऐसे शेयर्स देखने को मिलेंगे जिनमें आपने MTF वाला पोजीशन बना के रखा हुआ है। सो अभी यहाँ पर आप करेंटली देखोगे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टॉक है। एक ही स्टॉक को मैंने MTF के जरिए बाय किया है। सो यहाँ पर मुझे एक ही स्टॉक देखने को मिल रहा है और आज मुझे इसी को सेल करना है। क्योंकि गाइस जब तक आप जो भी MTF वाला शेयर्स रहेगा उसको आप सेल नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिर आपको चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, बट आपको जो भी इंटरेस्ट रहता है, ब्याज रहता है, आपको देना ही पड़ता है। और बाकी जो भी शेयर्स था इसको मैंने बाय किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ट्रेड्स में जाके, यहाँ पे गाइस आप देखोगे इसको मैंने बाय किया था 3 मई को और आज है 28 जून, यानी गाइस ऑलमोस्ट 2 महीना होने को आ गया है और इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3000 रुपये के आसपास। बट गाइस जो भी इसमें मेरा ब्याज रहेगा 2000 रुपये के आसपास का कट गया है और जो भी इंटरेस्ट रहता है ऑटोमेटिक आपके फंड से डीमेट अकाउंट से कट होता रहता है हर वीकली। सो गाइस अभी जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा इसमें से चार्जेस कट होने के बाद आपको पूरा प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर हम चलेंगे दोबारा से MTF में। अभी के जो भी शेयर से रहेगा इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में, बट मुझे तो यहाँ पे कोई भी इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं करना, सीधा मुझे इसको सेल करना है। सो सेल करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे ही सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा MTF का। ऑटोमेटिक आ जाएगा क्वांटिटी कि आपको कितना क्वांटिटी सेल करना है। सो मुझे यहाँ पे पूरा क्वांटिटी सेल करना है, सो यहाँ पे मैं पूरा ही क्वांटिटी रहने दूंगा और अगर आपको इसमें कम करना है सो यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। सो फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं पूरा क्वांटिटी रहने देता हूँ और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना क्वांटिटी है। फिर उसके बाद आपको 3 ऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर आपको मार्केट पर सेल करना है सो जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहेगा उसी पर सेल हो जाएगा और बाकी गाइस यहाँ से आप लिमिट लगा के भी इसको सेल कर सकते हो। लिमिट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक प्राइस डालना रहता है कि कौन सी प्राइस पे आपको सेल करना है। जैसे अभी इसका करंट प्राइस चालू है 603, अगर मान लीजिए आपको इसको 605 पे सेल करना है तो यहाँ पे आप एक 605 का ऑर्डर लगा दोगे और जैसे इसका प्राइस पहुँचेगा 605 रुपये तब जाके सेल हो जाएगा। अभी इस यहाँ पर मैं इसी लिमिट ऑर्डर को यूज करूँगा ताकि एक सही प्राइस पर सेल हो जाए और उसके यहाँ पर मैं इंस्टेंट सेल पर क्लिक करूँगा। जैसे इंस्टेंट सेल पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से जो भी हमारा ऑर्डर रहेगा लग जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे करेंटली इंस्टेंट सेल का इस तरीके से ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। ओके धीरे धीरे सेल हो रहा है। मे बी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ गाइस क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्डर्स में जाके हम देखेंगे। ओके सो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर हमारा जो भी एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, यानी जो भी हमारा शेयर्स था सेल हो गया सक्सेसफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो 603.15 की प्राइस पे और अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से पोजीशन देखने को मिलेगा। फिर जो भी लॉस एंड प्रॉफिट रहता है इसको आपको टोटल इग्नोर करना रहता है क्योंकि इससे कुछ भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा आपको वही देखने को मिलेगा। और बाकी इस बात करें मनी वाले सेक्शन की, यहाँ पे गाइस आप देखोगे जो भी मेरा फंड पहले से अवेलेबल था वही यहाँ पे मुझे फंड देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी आपका MTF वाला फंड रहता है यहाँ पे आपको सेम डे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे उसका सेटलमेंट हो जाएगा नेक्स्ट डे फिर आपको फंड में देखने को मिल जाएगा। सो जो भी पैसा रहता है उसको फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हो। और बाकी इस यहाँ पर आपको मार्जिन यूज में 20 रुपीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि गाइस जब भी आप MTF में शेयर्स को बाय सेल करते हो तब यहाँ पे में ब्रोकरेज चार्जेस भी लग जाता है। सो गाइस आप कुछ इस तरीके से जो भी आपका MTF वाला शेयर्स रहता है उसको आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।